माया मैम, फ्लैट पसंद आया ना? मैंने तो दिखाने से पहले ही बोल दिया था कि फ्लैट आपको एक झलक में पसंद आ जाएगा। फ्लैट इज गुड एंड वेल कंडीशन। मैम, फ्लैट वेल फर्निश्ड है, सब कुछ है यहाँ पर, बस आपको अपना बैग लेकर आना है और रहना शुरू कीजिए। हाँ, मैं डन करती हूँ। 50,000 एडवांस और मैं आज शाम को ही शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है जी, ठीक है। आज से ये फ्लैट आप ही का हुआ। और हाँ, कल मैं एग्रीमेंट पेपर रेडी करवा कर आता हूँ, ठीक है जी? हाँ, चलेगा। चलो मैं। हाँ बोल माय स्वीट बेब्स। रीमा, मैंने फ्लैट फाइनल कर दिया है। वाओ माया, यू हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब। यू नो दिस इज 3 BHK फ्लैट एंड वेल फर्निश्ड। सच्ची? हाँ, और अब एक रूम मेरा और एक रूम तेरा। क्यों, हम रूम शेयर करेंगे ना, अभी भी तो करते हैं। नो, करते थे पर अब नहीं। मुझे जल्दी जगने और जल्दी सोने की हैबिट है और तुम हो लेट नाइट गर्ल, इसलिए अब नो डिस्टर्बेंस। This is not fair, babes. Yes, this is fair. मुझे सुबह उठकर जॉब पे जाना होता है और तुम्हारी लेट नाइट शूटिंग के चक्कर में मेरी नींद खराब होती है और फिर ऊपर से तुम्हें आधी रात पे भूख लगना, किचन में कुछ ना कुछ खाते रहना। सो अब मैं मस्त अपने बेडरूम में सोऊंगी। I won't be disturbed. तुम्हें जो करना है करो, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। Babes, घर मिलते तू बदल गई, भूल गई मुझे। Yes, babes. चल रखती हूँ। ओके, आज अगर मैं जल्दी आ जाऊँ ना तो पार्टी एंड चिल करते हैं। नो, मैं आज शाम को ही शिफ्ट हो रही हूँ। क्या, आज ही? हाँ, साथ में मैं तेरा भी सामान ले आऊंगी, तू शूट से सीधे इधर ही आ जाना। ओके, सेंड द एड्रेस। ओके, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। बाय, टेक केयर। बाय। Also.
हाँ बोल। मैं आज लेट हो जाऊंगी। हाँ कौन सी नई बात है, मैं तो हैबिचुअल हो चुकी हूँ तेरी इस गुड हैबिट की। अरे बेब्स, आज रात के लिए और डिस्टर्ब हो जा, कल से नहीं होगा। ओके ओके, डोर के बराबर में लेटर बॉक्स है, उसके पीछे की रखी होगी, जब भी आना हो की लेना और अंदर आ जाना। और सुन, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ओके मैडम जी, लेटर बॉक्स के पीछे ना, आई गॉट इट। चल रखती हूँ, शिफ्टिंग के चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है बड़ी। ओके बेब्स बाय, टेक केयर। The subscriber is currently switched off. आ गई तू? कैसा लगा तुझे फ्लैट और तेरा रूम? क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? रीमा तू सोई क्यों नहीं अभी तक? अच्छा, न्यू फ्लैट में मेरा वेलकम करने के लिए अभी तक जागी हुई है। यू आर सो स्वीट यार, आई लव यू। पर रीमा, अभी तो तू किचन में कुछ काट रही थी, तो दरवाजे से अंदर कैसे आई? इस की से, और कैसे? नहीं रीमा, मैंने अभी तुझे किचन में देखा और तुझसे बात भी की। हाँ देखा और बात भी की, पर नींद में। 4 साल से तेरे बगल में सो रही हूँ, तुझे नींद में हंसने की, रोने की और बड़बड़ाने की आदत है, और अब मुझे देखने की भी होगी। तू सही कह रही है रीमा, शायद मैंने नींद में ही देखा होगा। ओ थैंक गॉड यू एक्सेप्टेड। चल अब तो पार्टी करते हैं। नहीं यार, मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। अरे तेरी तो ड्रामे मत कर, पार्टी करते हैं ना। ये ले पकड़, मैं अभी चेंज करके आती हूँ और ग्लास लेके आती हूँ। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. यार मेरा हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं तो अपना कोटा पूरा करके आऊंगी। जब तक एक बॉटल पी ना लूँ ना, शूटिंग की थकान नहीं उतरती। I don't want to leave it. And maybe we're going to the game. Where are we going now? To see someone about my job. I don't understand. You don't understand what? Are we going to the game? I said possibly we're going to the game. Do you know what possibly means? Like probably? No, probably means there's a good chance that we're going. Possibly means we might not. What does probably mean? It means we have a good chance. What does possibly mean? I know what it means. What does it mean? It means that Rima? We're not going to the game. Rima? How did you get so smart? क्या हुआ? तू मेरे पास क्यों सो रही है? क्या हो गया? सो गई तो 4 साल से साथ में ही तो सोते हैं। Yeah. नहीं यार, वो बात नहीं है, बस ऐसे ही। How are you, sir? Chris Gardner. हॉल में टीवी चल रहा है। यार बंद करना, भूल गई होंगी। सॉरी, तू करा ना प्लीज।
actually, we were in the neighborhood visiting a very close friend of ours, and I just want to take this opportunity to say thank you for your time. I know you probably waited for me. A little bit. I want you to know that I do not take that for granted. No, come on. What's that? Oh, this is an osteonational bone density scanner. Oh. A company I bought into prior to going to work at Witter. I have a meeting after the game. You guys are going to the game? Oh, yeah. Possibly. Possibly. Yeah, we're going too. I'm taking my son Tim, my 12-year-old. तो सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ माया? खामोश क्यों है? क्या हुआ माया? Anything wrong with you? नहीं यार, मेरा सर दुख रहा है. मुझे सोने जाना है. एक अर्जेंट शूट का कॉल आ गया था और मुझे जाना पड़ा. मैं तुझे कॉल करने की ट्राई करी थी पर फिर मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, फोन ऑफ हो गया, इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई. तू कहाँ है? मैं कैप्टन के लिए गोवा. गोवा? गोवा कब गई तू? कल शूट से पैकअप होते गोवा की फ्लाइट पकड़ ली. शूट का सुबह 9 बजे का कॉल था तो अर्जेंट पहुंचना था. पर तू तो कल मॉर्निंग की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ, फिर दोनों मस्त चिल करेंगे. रीमा कल मेरे साथ थी, हम लोगों ने बियर भी पी, तो वो गोवा कैसे हो सकती है? अगर वो गोवा में है तो फिर वो कौन थी? मॉर्निंग मैम. माया मैम, मैंने ओनर्स को मना लिया है और अगले 2 सालों के लिए एग्रीमेंट को रिन्यूअल भी करवा लिया है. आप टेंशन मत कीजिए, अब आप यहां पर आराम से रह सकती है. और हाँ, आप इन पेपर्स पर ना अपने साइन कर दीजिए. ये पेपर आप कल ले जाना. हाँ कोई बात नहीं, मैं कल आकर साइन करवा लूंगा. मैम, अगर आपको कोई रूममेट चाहिए ना तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको एक लड़की दे दूंगा. मुझे किसी रूममेट की जरूरत नहीं है. ठीक है. हेलो. हेलो. हाँ माँ. तुमने कोई कॉल नहीं किया मुझे? माँ ऑफिस के काम में बिजी थी. अच्छा ये बताओ, दवाई वगैरह ली है तुमने? जी. टाइम से दवाई ले लेना और अपना ध्यान रखना. अच्छा माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ क्योंकि डॉक्टर की भी विजिट है यार. डॉक्टर आने वाले हैं, मुझे रेडी होना. ठीक है बेटा. ओके माँ.
कोई दवा टाइप के ले रहे? जी सर। वेरी गुड। कैसा फील कर रहे हैं आप? गुड सर। दैट्स एक्सीलेंट। अच्छा माया, ये बताइए, आपकी रीमा से बात हुई थी क्या? जी सर, रीमा अभी गोवा गई हुई है। वैसे कल रात को वो मेरे साथ ही थी। माया, रीमा ना आपके साथ थी और ना ही वो गोवा गई हुई है। ये सब आपका भ्रम है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे हम इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन कहते हैं। ओके? देखिए, ये हम समझ सकते हैं, आप दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और कई सालों तक साथ रहते थे, इसलिए आपके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि रीमा को मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। उसकी मुंबई गोवा हाईवे पे एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऑलराइट, अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ जियो। जी सर, रीमा अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। ये मेरा भ्रम है, इट्स इल्यूजन, राइट? आई गॉट इट। वेरी गुड। तो चलो अब धीरे से अपनी आंखें खोलो।